कल मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप डिफरेंट फिगर्स की स्टडी करते हैं। आज मैं उन्हीं को डिटेल में बताऊंगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जिसको आप लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है। जनरल माने हम बहुत से कर्व जो हमने पढ़े हैं वो सब इसी के स्पेशल केसेस हैं। किस पर डिपेंड करेंगे वो ये जो कांस्टेंट हैं a b c f g h पर। तो हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए सर्किल का एक उदाहरण लेते हैं। सर्किल की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं इसको देखिए आप। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिए। आपने देखा कि मान लीजिए आपको पता है ये कर्व सर्किल है। सर्किल की पहचान कैसे होगी, सर्किल को आप कैसे पकड़ेंगे, यानी सर्किल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, सर्किल में एक ये पॉइंट होता है जिसको आप कहते हैं सेंटर, और मान लीजिए ये जो परिधि है सर्कमफ्रेंस, इस पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये इसको और इसको अगर मिला दें तो ये इसको आप कहते हैं रेडियस। अब देखिए कैसे बनेगा। अक्सर हम यहां पर कोऑर्डिनेट में एक शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, लोकस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बिंदु पथ, अर्थात बिंदु का पथ, बिंदु का रास्ता। ये पॉइंट है, आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने इस कॉन्सेप्ट को एक ऐसे व्यक्ति को समझाना है कि जिसको गणित से, गणित का कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं है, उसको आप कैसे समझाएंगे। तो अब ये कल्पना करिए कि जैसे यहां पर एक कोई ये ग्राउंड है, यहां कोई बकरी बैठी हुई है, बकरी है। अब बकरी का मूवमेंट फ्री है, वो अपने हिसाब से चलेगी। आप चाहते हैं कि उस बकरी को अपने हिसाब से चलाना, आप उसके मोशन को, उसके मूवमेंट को रेगुलेट करना चाहते हैं। अभी कैसे रेगुलेट होगा, तो उसके मोशन को रेगुलेट करने के लिए आपने बकरी के गले में एक रस्सी बांधी, और उस रस्सी का दूसरा सिरा आपने एक ऐसे मजबूत पॉइंट से बांध दिया जो उखड़ नहीं रहा है, यानी खूंटा कहते हैं आप इसको सामान्य भाषा में, जनरल भाषा में इसको खूंटा कहा। ये खूंटा है, ये बकरी है और ये रस्सी है। अब खूंटा इतना मजबूत है, खूंटा मजबूत होना चाहिए कि उखड़ेगा नहीं, अगर बकरी उखाड़ना भी चाहे झटके से उखड़ेगा नहीं, और रस्सी भी मजबूत है, टूटेगी नहीं। अब देखिए क्या होगा, अगर बकरी का मन हुआ इस तरफ आने का, खूंटे की तरफ, तब तो आ सकती है, लेकिन अगर वो मान लीजिए बाहर जाना चाहे तो इसके बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये टाइट हो गया, इससे ज्यादा लेंथ इसकी एक्सपेंड नहीं हो सकती, यानी ना रस्सी मजबूत है ये भी नहीं टूटेगी, और ना ये आपका खूंटा उखड़ेगा, ये भी मजबूत है। अब अगर इसको चलना होगा, ये देखिए बकरी है, अब अगर इसका चलने का मूड होगा तो बकरी कहां, यहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ये ऐसे खूंटा, तो ये रस्सी टाइट है, यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, इस तरह से चलेगी। ये तो मैंने जनरल बताया। अब मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, मैथमेटिशियन ये कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बकरी बांधी है या आपने यहां कुत्ता बांधा है या कोई और चीज बांधी, उसके लिए ये एक मूविंग पॉइंट है। तो आप अक्सर देखते हैं, मैं आपको कंसेप्ट बताऊं लोकस का, बहुत इजी कंसेप्ट है, मूविंग पॉइंट, ये एक मूविंग पॉइंट है जैसे बकरी मूव कर रही है, और ये फिक्स्ड पॉइंट है, भी बताया मैंने आपको खूंटा है खुलेगा नहीं, ये फिक्स डिस्टेंस है। तो ये बकरी जब ऐसे चलेगी, यानी जब पॉइंट मूव करेगा, तो उसका जो रास्ता बनेगा, रास्ता माने लोकस, जो रास्ता बनेगा वो सर्किल होगा। समझ में आ गया होगा। अब इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, लोकस ऑफ ए पॉइंट, मूविंग पॉइंट विच मूव अकॉर्डिंग टू सम रूल, and what is that rule? Rule is that
its distance from a fixed point is fixed. How simple the concept is. So circle is the locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point is fixed. अब निकालेंगे कैसे आप इस मूविंग पॉइंट को आपने कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1, क्योंकि आप 2D में चल रहे हैं, प्लेन पर चल रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट हुए। ये पॉइंट है मान लीजिए अल्फा और बीटा, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा हो गए और ये डिस्टेंस हो गई मान लीजिए आर रेडियस। अब हमारे पास एक सूत्र है, डिस्टेंस फार्मूला जिसको बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इस पॉइंट पी और ये सी सेंटर पी सी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फार्मूला है, वो क्या होता है, इनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x1 माइनस अल्फा उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y1 माइनस बीटा का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये एक सूत्र है, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और पीसी क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर है, तो ये आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए आपको एक रिलेशन मिला ये वाला, इसको चलिए डिलीट कर देते हैं, ये मिल गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि लोकस कॉन्सेप्ट क्या है, बकरी जब यहां बैठी थी तो इसके इसकी पोजीशन थी x1 और y1, वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन चूंकि बकरी एक मूविंग पॉइंट है तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, यहां तो इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, यानी x1 y1 की पोजीशन वैल्यूज बदलती जाएंगी, तो अब ये करंट कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दें, करंट माने मूविंग, तो x1 की जगह हम x ले लें और y1 की जगह y ले लें, तो x-alpha का स्क्वायर और y-beta का स्क्वायर बराबर r2, यू नो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल जिसके केंद्र के निर्देशांक है अल्फा और बीटा और रेडियस है r। हाउ सिंपल इट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। अब इसमें और सिंपलीफाई हो जाएगा, यदि आप अल्फा और बीटा को ओरिजिन ले लें, सर्किल आप ऐसे बना लें जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो अल्फा और बीटा 0-0 हो जाएंगे और ये हो जाएगी x2 + y2 = r2, वो सर्किल जिसका केंद्र 0-0 है और रेडियस r है। तो आपने देखा कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसी को मैं और जनरलाइज कर रहा हूं, आपने देखा कि ये पॉइंट जो है ये जमीन पर चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था बकरी थी जनरल भाषा में, तो अगर उसको ये घास है, घास का मैदान है, तो ये सारी घास खा लेगी बकरी, क्योंकि उसकी अप्रोच में आता है, और इसके बाहर का है वो घास नहीं खा पाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी अप्रोच से बाहर है। अब मान लीजिए हम इस बकरी की जगह पर एक चिड़िया बांध देते हैं, चिड़िया को मैंने क्यों लिया, क्योंकि चिड़िया को कुदरत ने दिया है उड़ने की भी शक्ति है, उड़ भी सकती है, यानी 3D कॉन्सेप्ट में जोड़ रहा हूं उसमें हाइट, ये तो जमीन है, अब हाइट में अब चिड़िया उड़ेगी तो चिड़िया केवल इतना उड़ पाएगी जमीन से, क्यों, क्योंकि रस्सी बंधी हुई है, लेकिन अब वो 3D में उड़ रही है, 3D आने जमीन पर भी चल सकती है चिड़िया और हाइट में भी आ सकती है, तो हम जेड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करेंगे और आप ये देखेंगे इसी में आप जेड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, दैट बिकम्स स्फीयर, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर जो मैंने आपको 3D में कल बताया था। तो ये हो जाएगा x-alpha² + y-beta² + z-gamma² = r2, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर गोला 3D जिसका केंद्र है अल्फा बीटा और गामा और रेडियस है r। तो ये गोला आ गया, उदाहरण आप जानते हैं गोले का, गोल टमाटर है, गोल प्याज है, गोल होना चाहिए बिल्कुल, वो 3D, उसमें वॉल्यूम है, और ये सर्किल का बताया आपको मैंने एग्जांपल। तो आपने ये देखा कि इक्वेशंस निकालना बहुत ही आसान होती है, हम उस कर्व की या उस सरफेस की कोई ऐसी प्रॉपर्टी पकड़ लें जो यूनिक प्रॉपर्टी हो उसकी और उसी को लिख दे, समझिए गणित की भाषा में मैंने उस प्रॉपर्टी को लिख दिया, ये इक्वेशन आ गई गोले की। अब इसमें देखिए आप
अब एक चीज और लेते हैं, जैसे मैंने आपको फिर ये लिया था बी वाई स्क्वायर प्लस सी, चलिए 2D की ही बात करते हैं, 2D को हम 3D विजुलाइज कर ही सकते हैं, 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY है। अभी जैसे मैंने आपकी इक्वेशन बताई x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। चलिए अब इसको हम इससे कनेक्ट करते हैं, हाउ इट इज कनेक्टेड विद दिस इक्वेशन, एंड सपोज इफ दिस इक्वेशन इज गिवन हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस टू एल्फा एक्स, इसको खोलेंगे तो माइनस टू बीटा वाई, इसको खोलेंगे और प्लस एल्फा स्क्वायर ये आ गया यहां से और बीटा स्क्वायर ये आ गया यहां से, माइनस आर स्क्वायर ट्रांसफर कर दिया इज इक्वल टू जीरो। देखिए इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, अब आप इसकी कंपैरिजन इससे करिए जो जनरल इक्वेशन लिखी है हमने, तो आप ये देख रहे हैं यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट भी 1 है, जबकि यहां पर ए है और बी है, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि इन दोनों के कोफिशियंट सेम होने चाहिए, इसलिए हमने पहली कंडीशन लगाई ए इज इक्वल टू बी, ए और बी सेम होने चाहिए। उससे क्या होगा, जब सेम हो जाएंगे तो हम ए कॉमन लेकर के ए से डिवाइड कर देंगे तो इसके कोफिशियंट 1 बन जाएंगे, इसलिए हम यहां पर देखिए इस इक्वेशन को सर्किल के केस में कैसे रिड्यूस करते हैं, a बराबर b ये आ गया और इनके क्वेश्चन 1 बना दिए, तो 1 बनाने का तरीका है a से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट चीज आप ये देख रहे हैं इसमें एक्स वाई टर्म ली है हमने जनरल से इक्वेशन, जबकि यहां पर देखिए कहीं भी एक्स वाई नहीं है, क्या अब एक्स वाई नहीं है इसका क्या अर्थ हुआ, इसमें एक्स वाई है यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब मुझको एच को जीरो लेना पड़ेगा तभी ये टर्म एब्सेंट हो जाएगी, इसलिए एक कंडीशन आ गई एच इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब आया माइनस, देखिए टू एल्फा एक्स ये टर्म लिया, यहां पर ये टू जी एक्स है, क्या मतलब हुआ, कंपेयर करिए जी बराबर माइनस अल्फा आ गया, जी इज इक्वल टू माइनस अल्फा, इसी तरह से यहां टू बीटा वाई है और ये टू एफ वाई है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस बीटा आ गया कंपेरिजन करने पर। आपने अभी देखा था वो जो आपने सर्किल लिया था जो आपने इक्वेशन लिखी थी ये, उसका सेंटर अल्फा और बीटा था, यानी क्या हुआ अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बीटा इज इक्वल टू माइनस एफ, इसीलिए हम कहते हैं इस इक्वेशन में माइनस जी और माइनस एफ सेंटर के कोऑर्डिनेट हो रहे। अब आइए रेडियस में, ये हमने कांस्टेंट टर्म सी लिया है, यहां पर कांस्टेंट टर्म ये है, यानी सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहां पर आर उसका रेडियस है सर्कल का, तो इसलिए आर हो जाएगा आपका, आर देखिए आर की वैल्यू जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर ले आए माइनस सी का अंडर रूट। अब इसको आप ये जो जी एफ के टर्म में ले लीजिए, अल्फा माइनस जी है तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, देखिए फार्मूला आ गया रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर का फार्मूला आ गया माइनस जी और माइनस एफ। तो इसलिए और इसी को यदि आप अब 3D में जनरलाइज कर दीजिए तो 3D में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक और लेना पड़ेगा डायमेंशन जेड स्क्वायर हाइट प्लस टू यू एक्स टू वी वाई, मतलब थोड़े से हमने कांस्टेंट को चेंज कर दिया, जैसे यहां हमने जी एक्स एफ वाई लिया था तो यहां हमने यू और वी ले लिए, अब जेड भी लेना पड़ेगा टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, गोले की इक्वेशन है, ये आपके तीन टर्म सेकेंड डिग्री के हैं, ये तीन टर्म फर्स्ट डिग्री के हैं और ये कांस्टेंट।
अब आप गोले में देखिए, गोले का जो सेंटर होगा, सेंटर आपने अभी देखा था, x का गुणांक लिया था उसका आधा, तो यहां पर x का गुणांक ये है उसका आधा, यानी माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, सेंटर आ गया गोले का केंद्र, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, और उसका रेडियस आ जाएगा उसी तरह से जैसे यहां पर था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी की जगह कॉन्स्टेंट टर्म डी है, ये रेडियस आ गया। तो वो मैंने आपको 2D का बताया, केस बताया था सर्किल का, ये 3D का केस है गोले का, सेंटर उसका हो गया माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, और उसका त्रिज्या रेडियस हो गई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होल अंडर रूट। तो आपने देखा इस छोटे से एग्जाम्पल से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं और इक्वेशंस निकालना बहुत ही आसान है। चलिए ये मैं आपको जितने भी ये जो इक्वेशन बताई हैं ये असल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, आपको मालूम है ये एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, जो कि एक मैथमेटिशियन रेने लकार्टे, रेने लकार्टे एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए उनके ऑर्डर में इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, रेने लकार्टे के नाम पर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये डिस्टेंस नापने का एक तरीका है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं, वो क्या क्या है अन्य तरीके हैं, जिस एक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है दूसरा, तीसरा है स्फेरिकल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, चौथा है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं आपको ये बताऊं कि और एडवांस स्टेजेस में ये बड़ा एलिमेंट्री हो जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कहीं पर हमको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और हायर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में खासतौर से जहां पर हमको थ्री डायमेंशनल सिचुएशन से डील करना पड़ता है वहां पर ये यूज होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताता हूं जो कि डिस्टेंसेस नापने का एक दूसरा तरीका है, यह भी बहुत इजी सिस्टम है, इसको आप देखिए, इसमें थोड़ा सा फर्क है कार्टेशियन सिस्टम से, कार्टेशियन सिस्टम के जो नोमेनक्लेचर है नामकरण थोड़ा उसको देखिए, इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको आप वाई एक्सिस, ये दो दिशाओं में है इसीलिए ये टू डायमेंशन हो गए, डायमेंशन मीन्स डायरेक्शन, सीधी सी बात, ये जो परपेंडिकुलर सिस्टम है ये और ये दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस इज 90 डिग्री, रेक्टेंगुलर मींस ये जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आप ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन शब्द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन शब्द का यूज हम नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको इसी बात को पॉइंट आउट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि तो बहुत ही सिंपल चीज बता रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिए जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पोलर इंट्रोड्यूस करेंगे हम उसमें एक लाइन लेंगे ये जैसे कि ये ली थी, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर डिफरेंट होगा, हम इसको अब एक्स एक्सिस कहते थे यहां पर हम इसको इनिशियल लाइन कहेंगे, एक्स एक्सिस नहीं कहेंगे, इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन पर हम एक पॉइंट लेंगे ये, दिस हैज टू बी नोटेड, इनिशियल लाइन पर लिया जाएगा ये पॉइंट, इसको हम पोल कहेंगे, पोल। अब मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन में ये पॉइंट, इसको हमने पी कह दिया,
ये मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग क्यों, कहीं भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, ये मूविंग पॉइंट है। अब देखिए ये फिक्स पॉइंट है, ये बदल नहीं रहा, ये इनिशियल लाइन पर ही होगा। अब आपने इसको इससे मिला दिया, आपने इस मूविंग पॉइंट को फिक्स पॉइंट से मिला दिया, ये जो डिस्टेंस है इसको आपने आर बोला, इसको रेडियस वेक्टर कहेंगे, रेडियस वेक्टर। ये जो ओ, ये मान लीजिए हम पोल को ओ मान लें, तो ओपी ओपी रेडियस वेक्टर। यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये रेडियस शब्द केवल रेडियस नहीं है, रेडियस वेक्टर है, क्योंकि रेडियस है तो फिर हम उससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर्किल में रेडियस होता है, ठीक है सर्किल में होता है, ये रेडियस ना होकर के रेडियस वेक्टर है। ये रेडियस वेक्टर इस इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन है जिस एंगल पर झुका हुआ है, ये थीटा हो गया, तो इसकी पोजिशन कैसे मिल गई पी की, आर और थीटा, ये आर डिस्टेंस और ये एंगल थीटा, आर थीटा इस पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट कहलाए। जैसे यहां पर इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, तो आप ये परपेंडिकुलर दिया डिस्टेंस नापते हैं, ये डिस्टेंस एक्स हो गई, ये डिस्टेंस वाई हो गई, तो ये कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाए, ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गए आर और थीटा, ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस आर। हाउ सिंपल इट इज। अब आर और थीटा में कोई संबंध, सम रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड थीटा, इस जिसको हम यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं आर इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये इसकी इक्वेशन हो गई कर्व की। कर्व कैसे बनेगा, जब ये पॉइंट मूव करेगा, किसी भी तरह से मूव करे, किसी भी रूल से मूव करे, किस रूल से मूव करेगा, इस रूल से, तो इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इन पोलर कोऑर्डिनेट। यहां पर हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए कोन से कर्व, कर्व बोलिए कोनिक की जगह, इक्वेशन ऑफ ए कर्व इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वाई सम फंक्शन ऑफ एक्स, आर सम फंक्शन ऑफ थीटा। तो आपने देखा कि हम इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। अब यहां पर थोड़ा एंगल का और डायरेक्शन का के भी कुछ रूल लिए हैं। ये देखिए कि अगर यदि आप एंगल ऐसे चल रहे हैं, यू जिसको आप कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि अगर आप घड़ी रख दें यहां पर तो घड़ी ऐसे, घड़ी की सुई ऐसे चलेगी, ये हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन टू बी निगेटिव। ये हमने एक रूल फ्रेम कर लिया। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूंगी 45 डिग्री मूव करिए, तो आप यहां से इधर को चलेंगे 45 डिग्री आ गया है, और आपसे कह रहे हैं -45 डिग्री चलिए, तो आप इनिशियल लाइन से नीचे को चलेंगे, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू -π/4 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये तो एंगल का है। दूसरा, अब मान लीजिए हमको इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर आना है, ये पॉइंट मान लिया मैंने Q। अब इसके देखिए इसको कैसे इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पॉइंट को, तो देखिए बड़ा सिंपल रूल है। पहले तो आप ये लीजिए, जो थीटा एंगल लिया, अगर आपसे कहा जाए कि इसकी इक्वेशन बताइए इनिशियल लाइन की, तो ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल लाइन है, हम मूव कर ही नहीं रहे कुछ, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन आ गई। जैसे ये एक्स एक्सिस था, इसमें इक्वेशन थी एक्स एक्सिस की वाई इक्वल टू जीरो, यहां पर थीटा इक्वल टू जीरो। अब मान लीजिए हमने एक रेडियस वेक्टर ऐसे ले लिया, यानी इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2, क्यों, क्योंकि ये एंगल π/2 है। अब आप इस ऐसे समझ लीजिए, यूं चल रहा, अब ये यहां पर आ गया, तो ये ऐसे हो गया इधर, तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी थीटा बराबर पाई, यहां से ये थीटा बराबर पाई, और हम इधर आ गए तो ये हो गई थीटा बराबर 3π/2।
अब सबसे इंटरेस्टिंग क्या है यहां पर, आप यूं चले फिर ऐसे आ गए यहां से ऊपर को, तो फिर आप यहीं पहुंच गए, लेकिन आपने कितना एंगल मूव कर लिया, 2 पाई, तो थीटा बराबर 2 पाई भी आ गया। तो सबसे बड़ी चीज जो इसमें यूनिक प्रॉपर्टी चीज है जो वहां पर नहीं है वो ये है कि किसी के कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यूनिक नहीं होते, कई सारे हो सकते हैं। जैसे थीटा बराबर 0 भी यही लाइन है, थीटा बराबर 2 पाई भी यही लाइन है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, थीटा बराबर 2 पाई का ये मतलब हुआ कि हमने एक राउंड कंप्लीट लगा लिया, अब एक राउंड और लगा लीजिए 4 पाई हो जाएगा, तो 4 पाई भी, एक राउंड और लगा लीजिए 6 पाई। इन जनरल इसको हम कह सकते हैं थीटा बराबर 2n पाई, जहां पर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंप्लीट राउंड्स। जैसे मान लीजिए हमने कहा थीटा इज इक्वल टू सपोज 20 पाई, तो इससे हमें एंगल तो मिल ही रहा है, ये भी पता चल रहा है, इसको कैसे 2 × 10π लिखिए, यानी हमने 10 कंप्लीट राउंड लगा लिए इसे, 1, 2, 3 तब इतना एंगल चले। और हमें एक चीज और मिली इसमें, 2n पाई, यानी क्या मिला कि 2n पाई की वही पोजीशन है जो जीरो की पोजीशन, यानी किसी भी एंगल में अगर हम 2n पाई जोड़ देंगे तो वही पोजीशन आएगी। जैसे 2n पाई प्लस थीटा, यही कारण है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो या टेन हो, इनके वही वैल्यूज होती हैं, ये बेसिक है। साइन 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू भी वही होगी जो साइन थीटा की, क्यों, क्योंकि हमने राउंड ही तो कंप्लीट लगाए हैं, पोजीशन तो वही है, थीटा की पोजीशन भी वही है, और राउंड लगाने के बाद भी वही हम पहुंच रहे हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये कारण है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही होती है, क्यों, क्योंकि पोजीशन तो वही वही मिली। ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब इसके बारे में कुछ चीजें और, इनिशियल लाइन, ये आपका पोल, ये आपका पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट हमने आर थीटा मान लिए, अब हमने इसको इससे मिला दिया, ये एंगल तो हो गया थीटा और ये डिस्टेंस हो गई आर। अब मान लीजिए मुझको यहां पर आना है, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ये क्यू है आपका पॉइंट, कैसे मिलेंगे इसके कोऑर्डिनेट, तो आप ये देखिए ये जो था आपका रेडियस वेक्टर, इसको आप यहां ले आए, जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी है, यानी पोल से जो दूरी पर ये पॉइंट है उतनी दूरी पर ये पॉइंट है, तो डिस्टेंस तो इसकी आर ही होगी, ये आर है तो ये भी आर है, लेकिन एंगल आपने ज्यादा मूव कर दिया, कैसे, थीटा ये एंगल था, पाई एंगल आपने और मूव कर दिया, तो ये हो गया थीटा प्लस पाई, यानी अगर पी और क्यू ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो थीटा में अगर मैं पाई एंगल जोड़ दूं तो उसका अपोजिट पॉइंट मिल जाएगा, आर और थीटा प्लस पाई, ये रूल आया पी के अपोजिट पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट ये हो गए, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यही था, देखिए ये था आपका थीटा बराबर पाई बाई टू, इसमें आप पाई और जोड़ दीजिए एंगल तो आपका ये आ जाएगा इसका अपोजिट। तो किसी भी पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट अगर कोई पॉइंट निकालना है, उसके पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो उसमें क्या करिए, एंगल में पाई को और जोड़ दीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा। अब वो चीज जिसमें अक्सर हमें विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन किस बात को लेकर होता है वो मैं बता रहा हूं। दो शब्द हैं जो मैंने आपको बताए थे, एक तो है ओरिजिन, दूसरा शब्द है पोल। ये दोनों शब्द अलग अलग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ओरिजिन शब्द का इस्तेमाल अब तक करते हैं जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डील कर रहे होते हैं, पोल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डील कर रहे होते हैं। अब हम मान लीजिए वी वांट टू सुपर इम्पोज द टू, दोनों सिस्टम को हम मिक्स करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने पहले तो कार्टेशियन ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट पी है आपका, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ले लिया, तो ये दूरी एक्स होगी ये वाली और ये दूरी वाई होगी, ये है ओरिजिन, राइट,
ये जो दूरी है आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, ये x है ये y है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। अब हम इसी सिस्टम में जो कार्टेशियन सिस्टम हमने लिया है इसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सुपर इंपोज कर रहे हैं, तो मैंने इसको क्या ले लिया इनिशियल लाइन, यानी इनिशियल लाइन x एक्सिस बना दिया, पोल BC को ले लिया, यानी पोल और ओरिजिन दोनों सेम है। ओरिजिन शब्द कार्टेशियन सिस्टम से है, पोल शब्द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, दोनों को एक ही मान लिया। अब चूंकि पोल इसको मान लिया तो ये जो पॉइंट है अब ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रेडियस वेक्टर हमेशा पोल से नपेगा। अब ये बस ध्यान रखिए, मान लीजिए अगर मैं पोल यहां ना लेकर यहां लेता हूं सपोज, हाँ इतना तो जरूर है कि पोल को लेना है तो इनिशियल लाइन पर ही पड़ेगा, मान लो मैंने इधर ले लिया तो फिर ये हो जाएगा रेडियस वेक्टर, क्योंकि रेडियस वेक्टर पोल से ही नपेगा। तो हमने चूंकि यहां पर ये ले लिया है पोल, पोल और ओरिजिन कोइंसाइड कर गए तो ये रेडियस वेक्टर हो गया आर। अब देखिए कितना सिंपल है, यही रेडियस वेक्टर है और यही आपका ये डिस्टेंस है, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर सिस्टम, आर रेडियस वेक्टर है और ये आपका कार्टेशियन डिस्टेंसेस है। ये एंगल थीटा मान लिया, क्यों? अभी बताया था मैंने आपको कि ये है आपका ऐसे चलेगा, तो ये एंगल थीटा मूव किया हमने तो ये थीटा आ गया। अब आप ये दूरी वाई है ये दूरी एक्स है, तो इनको भी कनेक्ट कर दीजिए आपस में, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के टूल्स हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी वाई इज इक्वल टू एक्स, और थीटा यू कैन ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो आपने देखा होगा जब भी हम कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं दोनों को, तो यही दो फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, x square by y square r square और tan theta is equal to y upon x, यहाँ पर theta ही है। How simple it is? अब इनकी समीकरण, equations of curves, अब मैं आपको बता रहा हूँ polar coordinate system में, वो भी बहुत easy है। Cartesian में तो आपको मैंने अपने पिछले lecture में बताया था। अब देखिए जैसे सबसे पहले हमने ये एक straight line की equation, polar coordinate system की बात हो रही है, ये है हमारी इनिशियल लाइन, इस पर एक पॉइंट है ये जिसको आपने पोल बोला। अब आपने लिया एक ऐसी लाइन जैसे ये पासिंग थ्रू पोल, ए लाइन पासिंग थ्रू पोल, ये बहुत जरूरी है, पासिंग थ्रू पोल, फॉर एग्जांपल दिस। अब ये एंगल है थीटा, ये ना इसकी इक्वेशन चाहिए हमको। तो अब देखिए इस इक्वेशन में क्या होगा, इस इक्वेशन में ये मान लो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ये पॉइंट कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, लाइन पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो मैं अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं तो ये दूरी तो आर हो जाएगी। आई एम साइलेंट अबाउट आर, मैं आर के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, क्या मतलब आर कुछ भी हो सकता है, यानी ये दूरी यहां भी ये भी हो सकती है, पॉइंट आगे भी जा सकता है पॉइंट पीछे भी जा सकता है। So I am silent about R, but I am concerned about the angle. Line ये है, चाहे कहीं भी point ले लो, angle तो fix रहेगा। तो मैंने क्या लिया? Theta is equal to alpha, एक fixed constant. Theta is equal to alpha, constant हो गया, alpha को fix कर दिया मैंने angle. तो this is the equation of this line which passes through pole. Theta is equal to alpha. कितना आसान है? लेकिन मान लो हमें दूसरी लाइन लेनी है, अब दूसरा केस सोचिए, ये हमारी इनिशियल लाइन है, ये आपका पोल है, और मान लीजिए आपने एक लाइन ये ले ली, इस लाइन में इस लाइन में बेसिक डिफरेंस क्या है नोट कीजिए, नोट ये मतलब डिफरेंस ये है कि ये लाइन तो पोल से होकर जा रही है और ये लाइन पोल से होकर नहीं जा रही। लेकिन इसकी इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे आप देखिए, अब चूंकि आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है तो इस पर आपको एक करंट पॉइंट लेना पड़ेगा, करंट माने वो पॉइंट जो मूव करे, वो पॉइंट मान लिया मैंने ये है पी, मूव करेगा कैसे, अरे कहीं भी हो सकता है,
तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिए करंट कोऑर्डिनेट कहते हैं आर थीटा। करंट कोऑर्डिनेट का ही मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये बदलेंगे, चेंज होते जाएंगे। अब आप इसको इससे मिलाएंगे, ये आर होगा। क्यों? अभी बताया था आपको रेडियस वेक्टर को पोल से नपेगा, ये आर हो गया और ये एंगल थीटा हो गया इनिशियल लाइन से, राइट। अब आप इसमें क्या करिए, आपको मालूम है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत इजी टूल्स है ट्रिग्नोमेट्री के, तमाम रेशियोज हैं, साइन कॉस, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए ये ढूंढते हैं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। अब मैंने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस लाइन पर, यानी 90 डिग्री है इस, ये जो डिस्टेंस है मींस इस लाइन की इस पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने पी मान लिया, ये और ये जो है लाइन, ये वाली इस इनिशियल लाइन से मान लीजिए अल्फा एंगल पर झुकी हुई है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये पी और अल्फा हो गए, ये पी डिस्टेंस, ये अल्फा एंगल। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ये एंगल आप यूज करेंगे, ये एंगल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये थीटा है पूरा, ये अल्फा है, तो ये हो गया थीटा माइनस अल्फा, ये एंगल। अब मैंने क्या इस्तेमाल किया, कॉस ऑफ, कॉस क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये पी है, ये आर है, ये चूंकि 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बेस, दैट इज पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। तो पी आर इंटू, इसको ऐसे समझिए, आर कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी। This is the equation of this line which does not pass through pole. And what are the quantities involved? R theta are the polar coordinates of a point P. Obviously, this is a moving point, current point है. और दो quantity और है इसमें, P और alpha. वो क्या है? P जो है पोल से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पी है, और यही जो लाइन है ये वाली, ये जो इनिशियल लाइन से जिस एंगल पे झुकी हुई है वो एंगल अल्फा है। तो देखिए ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आप लीजिए इसी में सर्कल की इक्वेशन सर्कल। अब देखिए जैसे हमने एक सर्कल मान लीजिए ये बनाया, सबसे पहले मैंने ये ले लिया, ये वो सर्किल है जिसका सेंटर पोल पर है, पोल और सेंटर दोनों सेम है। यहां पर फिर देखिए पोल शब्द कोऑर्डिनेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, सेंटर शब्द किससे जुड़ा हुआ है, सर्किल से, तो सर्किल एट द पोल, सेंटर एट द पोल। इसकी इक्वेशन बहुत ही इजी है, देखिए क्या होगा, आप यहां पर है तो ये रेडियस वेक्टर आर है, रेडियस मान लिया है। अब मैं दो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तो मैं कह रहा हूं रेडियस वेक्टर, एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं रेडियस, ये दो अलग अलग रेफरेंस में इस्तेमाल हुए। रेडियस मींस सर्किल का रेडियस, रेडियस वेक्टर मींस वो डिस्टेंस जो हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहे हैं। अब चूंकि सर्किल का सेंटर और पोल सेम है, तो यही इस पॉइंट के लिए क्या हुआ, देखिए यही रेडियस हो जाएगा सर्किल के लिए और यही रेडियस वेक्टर हो जाएगा पोल के रेफरेंस में, तो रेडियस वेक्टर और रेडियस दोनों सेम हो गए। तो उस केस में आर बराबर ए, ये रेडियस वेक्टर है, ये उसका रेडियस है। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, हाउ सिंपल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हूज रेडियस इज ए, रेडियस वेक्टर। एक चीज और नोट करिए, आई एम साइलेंट अबाउट थीटा। आप ये पूछ सकते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो दो क्वांटिटी होती हैं, एक आर होता है एक थीटा होता है, आर को तो मैंने कह दिया, आई एम साइलेंट अबाउट थीटा, व्हाट डज इट मीन, मैं साइलेंट, इसका ये मतलब है थीटा आपको जितने मर्जी उतना ले लीजिए। जैसे आपने कहा थीटा जीरो से चले आप और थीटा आपने ले लिया मान लीजिए पाई बाई टू तक चले, इसका मतलब आप यहां तक, ये रेडियस ये है यूं यहां पर है, यानी ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल आपने डिस्क्राइब किया 1/4, आपने
थीटा बराबर पाई ले लिया, यहां से चले आप ये यूं और ऐसे चलते चलते यहां तक आ गए, यानी सेमी सर्किल, अपर हाफ, ये नीचे का मैंने कवर कर दिया, सेमी सर्किल आ गया फ्रॉम थीटा जीरो टू पाई। और आपने यू चले और फिर यू चले, यानी थीटा जीरो से स्टार्ट हुए यहां से और टू पाई तक आ गए पूरा सर्किल। इसकी आपको कहां जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रल कैलकुलस में, जहां आपको एरिया निकालना है, लेंथ निकालना है और आपको कवर करना है कर्व कहां से कहां तक, एंगल पूरे सर्किल के लिए, राइट। और एक चीज देखिए, मान लीजिए आप यहां से चलते हैं, इसको छोड़ दीजिए आप, ये वाला छोड़ दीजिए वाला, राइट साइड यानी हाफ सर्किल है राइट साइड का, तो आप कहां से चलेंगे, थीटा देखिए, आप यहां से चलेंगे, आप यहां से चले यूं ऐसे और यूं आ गए, तो थीटा क्या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, तो ये वाला सर्किल आ गया, आई मीन हाफ सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल आ गया माइनस पाई बाई टू। क्यों, मैंने आपको बताया था कि आप ये नी, इसके नी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक चलेंगे तो आपका सेमी सर्किल आ जाएगा ये वाला, और पाई बाई टू से पाई चलेंगे तो इधर वाला सेमी सर्किल आएगा, ये राइट हाफ है ये लेफ्ट हाफ है। तो आपने देखा कि कितना आसान है इन कर्व्स को कवर करना, तो ये तो आपको मैंने, लेकिन ये मैंने बहुत इजी केस बता दिया, रियल लाइफ सिचुएशन में इतना इजी सिचुएशन से हम फेस नहीं करते, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फेस करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सर्किल लिया ये, सॉरी थोड़ा सर्किल समझिए इसको आप, इसका ये सेंटर है, अब आपने इसको इनिशियल लाइन ले, ये इनिशियल लाइन है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो ये तो हो गया सेंटर सी, सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये आपका पोल है। पहले केस में क्या था, पोल भी यहीं था सेंटर भी यहीं था, अब पोल अलग है सेंटर अलग है, पोल इज एट द वन एंड ऑफ द डायमीटर। अब आपने इसको इक्वेशन निकालनी है, तो आपने इस पर एक कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया जो कि आर और थीटा है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आर और थीटा है। अब आप कैसे करेंगे, इस रेडियस, ये तो रेडियस हो जाएगा, मान लीजिए सर्किल का रेडियस ए है, ए ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये सब ए होंगे, ये चूंकि पोल है तो आप इस पॉइंट को इससे मिलाओगे, ये होगा आर। मैंने आपको बताया था कि रेडियस वेक्टर हमेशा पोल से रखता है, तो चूंकि पोल यहां पर है तो ये आर हो गया, पहले क्या केस था यही पोल था तो यहां ना पाएगा, तो रेडियस भी यही था और रेडियस वेक्टर भी यही था, अब सिचुएशन बदल गई, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया और ये रेडियस ये थीटा हो गया, तो मुझको आर भी मिल गया थीटा भी मिल गया, ये रेडियस हो गया ए। अब ओबीएस है, मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल ढूंढ रहा हूं, कोई इजी ट्रायंगल मिल जाए जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकूं, तो देखिए अब ट्रिग मैं चाहूंगा एक चीज और भी होती है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए तो और आसान है। अब ये तो 90 डिग्री है नहीं, ये भी 90 डिग्री नहीं दिख रहा, तो मुझे एकदम आइडिया आया, इस पॉइंट को मैंने यहां मिला दिया डायमीटर के दूसरे इस पॉइंट से एंड से, तो ये सेमी सर्किल है ऊपर वाला, तो आपको मालूम है सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल ये है 90 होता है। सो हाउ इंटरेस्टिंग, आई गॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल दिस वन, और राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया तो फिर क्या दिक्कत है, ट्रिग्नोमेट्री हम लगा लेंगे। अब मैं एंगल ये यूज करूंगा थीटा, क्योंकि थीटा तो इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए चूंकि ये एंगल आप यूज कर रहे हैं और ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने का ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, और राइट ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो ओबीएस बेस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस बेस आर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रेडियस ए है यानी ये डायमीटर है, तो ये 2a हो गया क्योंकि उसका रेडियस ए है। आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हूज रेडियस इज a, माइंड इट, जब ये 2a है तो रेडियस a है और उसका जो ये जो डायमीटर का एक पॉइंट है एंड है वो उसका पोल है, ये आ गया। अगर मान लीजिए ये सिचुएशन हो r बराबर a cos थीटा इसी सेटिंग में,
तो उसमें आप रेडियस क्या मानेंगे इसका, ए नहीं होगा, ए बाई टू, ये देखिए इससे कंपेयर करिए, तो ये सर्किल आ गया ए बाई टू, रेडियस ए बाई टू हो गया और ये बोल हो गया। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। वन मोर केस देन आई विल फिनिश माई टॉक। अब और जनरलाइज कर रहे हैं, देखिए पहले मैंने ये लिया, यहीं पर सेंटर, यहीं पर पोल, फिर मैंने पोल यहां ले लिया, थोड़ा जनरलाइज किया, अब और जनरलाइज कर रहे हैं हम। ये आपका इनिशियल लाइन, नेचुरली पोल तो यहीं लोगे, ये इसका सेंटर, सेंटर को मैंने इससे मिला दिया, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए पोलर कोऑर्डिनेट आर और अल्फा मान लिए, यानी ये दूरी आर हो गई, ये एंगल अल्फा हो गया। अब आप इसमें इसके सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने ये ले लिया पी, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, इसको इसलिए मानेंगे क्योंकि आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इसके करंट कोऑर्डिनेट आर थीटा हो गए, इसको जब आपने इससे मिला दिया तो ये दूरी आर हो गई, रेडियस वेक्टर, और ये पूरा एंगल थीटा हो गया, ये जो इससे एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल मिल गया मुझको छोटा वाला थीटा माइनस अल्फा, ये थीटा, ये अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, आइडिया लग रहा है, मैं इस एंगल का यूज करूंगा। अब इसको इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये रेडियस हो गया ए, ये रेडियस हो गया ए, ये हो गया आर और ये हो गया कैपिटल आर, तो आप उनको तीनों, ये डिस्टेंस मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है, ये रेडियस पता है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करूंगा। आपको भैया जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, आपको मालूम है कि ए के ये अपोजिट लेंथ ये ए होती है, ये बी होती है, ये सी होती है, स्मॉल सी ये लेंथ है, ये वर्टेक्स है उसका। तो आप कोई भी फार्मूला यूज करना चाहे, मान लीजिए आपने कहा कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ बी क्या रूल है, इसके अपोजिट साइड जो है एंगल की, ये तो माइनस में आएगी बाकी पॉजिटिव होंगे, तो हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। ये फार्मूला पढ़ा होगा मेरे ख्याल हाई स्कूल में, शायद ये फार्मूला हाई स्कूल होना चाहिए। तो इस फार्मूले का यूज करिए आप, कॉस ऑफ थीटा माइनस एल्फा ए वाला इज इक्वल टू, अब इसके सामने की जो ये भुजा है ये माइनस में आएगी बाकी प्लस रहेंगी, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू आर इंटू आर, यानी ये आपका आ गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर इंटू आर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल, इसके रेडियस तो ए है, इस सर्किल का रेडियस ए है, और आर और जो थीटा, ये आर और थीटा है, इस सर्किल पर कोई पॉइंट लेंगे उसके करंट कोऑर्डिनेट है, और जो कैपिटल आर ऑफ अल्फा है इसके सेंटर के पोलर कोऑर्डिनेट है। ये इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। अब बाकी जो मैंने आपको दो केस बताए थे वो इसी के पर्टिकुलर केस है, देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहां पर ले आया, यानी सर्किल को मैं नीचे लाया, ऐसे बना लिया, खिसका दिया, तो ये जो आप देख रहे हो ये जो सेंटर है अब इनिशियल लाइन पे आ गया, तो ये एंगल अल्फा था, अल्फा जीरो हो गया, सेंटर इनिशियल लाइन पर आ गया, तो अल्फा जीरो होने से ये आपका एक टर्म तो ये कम हुआ, अल्फा जीरो हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको मान लीजिए इधर शिफ्ट किया, सर्किल को इधर कैसे शिफ्ट किया, इधर लाए और इस सर्किल की पोजीशन ये बना दी, उस केस में देखिए क्या होगा, सेंटर तो ये हो जाएगा, यानी ये जो पोल है डायमीटर इधर पास हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्या है देखिए, ये जो सेंटर है जो आपने आर माना था, यहां क्या था आर और जीरो, आर ये हो गया जीरो, क्यों, अल्फा जीरो हो गया था। अब आप इसको यहां ले आए तो जो ये दूरी है ये रेडियस भी हो गई और यही आर है पोल से इसकी दूरी, यानी आर बराबर ए इस केस में। तो जब आर बराबर ए रखेंगे आप तो ये आर कट गया, ये ए कट गया, बराबर हो गए, देखिए आ गया, और आर बराबर ये कैपिटल आर है, ये ए हो गया, ए उसका रेडियस, आर बराबर ए, इस एक आर से एक आपने आर ये कैंसिल कर दिया, तो देखिए आर बराबर
टू ए कॉस थीटा वो इक्वेशन आ गई। आप अभी देखिए, पहले मैंने आपको बताई थी आर बराबर टू ए कॉस थीटा, ये वो अभी बताई थी, ये वाला कितना इजी है सब। तो इसके जनरल ये पर्टिकुलर केस है। तो मैंने आपको ये बताया, ये तो मैंने आपको अभी केवल सर्किल के बारे में आइडिया दिया है। इसके बाद और भी कर्व्स हैं, कॉनिक्स हैं, जैसे पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, उसकी इक्वेशन मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। थैंक यू।